उत्तर बिहार के बच्चों पर इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का कहर जारी है। साथ ही बच्चों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस वक्त जापानी बुखार ने कहर बरपा रखा है। लगातार बच्चों की मौत हो रही है और प्रशासन मौन बना हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश के साथ गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। दिमागी बुखार, जिसे चमकी नाम दिया गया है, इस बीमारी से 55 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 119 भर्ती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह आंकड़ा कम बताया जा रहा है और SKMCH में, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से ये सूचना भी साझा की थी कि 8 बच्चे सीरियस थे, उसमें से 2 बच्चों की मृत्यु हुई, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है बढ़कर 43 का हो गया है, 43। अधिकारी भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन आलम यह है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच नए बीमार बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताते हैं आपको आखिर ये इंसेफ्लाइटिस होता क्या है। मेडिकल टर्म में इस बीमारी को एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES कहा जाता है। सीधी भाषा में इसको जापानी बुखार या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो आमतौर पर ये बीमारी एक खास वायरस का शिकार बनने से होती है। इस बीमारी में लोगों को हल्का बुखार और सिरदर्द की शिकायत होती है, लेकिन गंभीर मामलों में तबीयत तेजी से बिगड़ती है। लोग जहरीली लीची खाने से, वायरस या बैक्टीरिया का शिकार बनने से, फफूंद या दूसरे रिएक्शन के चलते AES का शिकार हो सकते हैं। वहीं अब बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अलर्ट मोड में है। वहां जरूरी सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की रोस्टर ड्यूटी तय कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उत्तर बिहार में इस बीमारी से बच्चों की मौत का संज्ञान लिया है। उन्होंने SKMCH प्रशासन से बीमारी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। बताते चलें कि इस बीमारी से हर साल बच्चों की मौत होती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते। इस साल भी इंसेफ्लाइटिस ने अपने पैर पसार दिए हैं और बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।